किसके अवार्ड? अवार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको अवार्ड मिलता है वो तो खुश होते ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न में जिन्हें अवार्ड नहीं मिलता उनको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं. डेली सोप करना मतलब इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग वर्क. मैं आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ सारे अमीर लोग हैं, उनके होश उड़े हुए हैं. तो आई थिंक मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से घर पे बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है. कौन सा अवार्ड? जो भी डिजर्व करता है डेफिनेटली उसको मिलेगा. वो तो मैं नहीं कह सकती कि किसे मिलेगा. एक ही आर्टिस्ट थी भाभी जी में, वो अभी नहीं है तो गॉड नोज. सही पकड़े हैं. बाय बाय. अवार्ड फंक्शंस में हमारे बहुत सारे नॉमिनेशन है, बेस्ट एक्टर है, सेकंड बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल, सीरियल, डायलॉग, राइटिंग, सब लोग नॉमिनेशन में, डायरेक्शन में भी नॉमिनेशन. सबको मिलते हैं सारे अवार्ड बाबी जी को मिलते हैं, क्योंकि बाबी जी एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट हम टेलीविजन पर लेकर आए हैं और इसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है कि कैरेक्टर हिट है. अरे भाभी जी आ गई, पूरे चमत्कार हो गया, अगर रंग बदल गया पूरे प्रोग्राम का. अंगूरी भाभी आ गई. सही पकड़े हैं. नहीं बस ये जो साड़ी है गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड, और मैं चाहती थी कि कोई अच्छा मौका मिले मुझे इसको पहनने का, उससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता था. हमारे लिए भाभी जी बहुत इम्पोर्टेंट है. सीरियल थोड़ी सी दिक्कतें हैं इनिशियली, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत उचित कदम है हमारे देश के हित में है. तो थोड़ी सी परेशानी उठाइए, लेकिन बहुत जल्द चीज़ें सुधरेंगी और हमारा देश एक ईमानदार और करप्शन फ्री कंट्री बने, इसमें हम सबको कोशिश करना बहुत जरूरी है. थैंक यू, धन्यवाद. आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड फंक्शन, एंड इतने सारे अच्छे अच्छे नॉमिनेशंस है, परफॉर्मेंसेस है, सो आई एम एक्साइटेड. सॉरी, आई एम एक्साइटेड एज आई टोल्ड यू कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नॉमिनेट हुए हैं एंड परफॉर्मेंसेस है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. अब वो तो आई थिंक द बेस्ट वन हु डिजर्व्स इट शुड गेट इट, और लेट्स सी, अब नॉमिनेशंस है, लेट्स सी द बेस्ट वन विल गेट इट. ओके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि आफ्टर ऑल टेलीविजन अवार्ड्स है और हम इस इंडस्ट्री के एक हिस्से हैं, और हमने काफ़ी शोज की हैं टेलीविजन पर. करण जो यहाँ पे है वो भी बहुत मशहूर है टेलीविजन पर, मेरे बेस्ट फ्रेंड है लाइफ में, तो मैं आज उनके साथ में आई हूँ. और आई थिंक ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, बहुत साल पहले लिया गया था, अब तो एक बहुत ही बड़ा अवार्ड फंक्शन हो गया है. अब ये फिल्म फेयर की टक्कर का है, जितने बाकी सारे अवार्ड फंक्शन थे उनकी टक्कर का है, और जब हम टेलीविजन के सेलिब्रेशन, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम इन ITA फॉर मी, एंड ऊपर से नॉमिनेशन भी है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार. ये है
कृष्णा जी की नॉमिनेशन नहीं है, कृष्णा जी से मुझे नॉमिनेशन है फॉर पॉपुलर कैटेगरी, बट अदरवाइज मिलेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्टिल इट्स गुड, सम स्ट्रॉन्ग यू नो कंटेंडर्स, जहाँ मेरी नॉमिनेशन की बात है या मेरी कैटेगरी की बात है, whoever wins it's good, you know, may the best one win. मेरे मुझे भी छुट्टा चाहिए, दे देना है, सच्ची चाहिए मुझे. हाँ, मैंने 4 दिनों के बाद 500 रुपये का नोट, मतलब 500 रुपये देखे मैंने आज. बहुत मुश्किल से मैंने छुट्टा गवाया, मतलब यू नो कैसे भी इकट्ठा किया मैंने, बट ठीक है, जो भी हुआ होगा या कर रहे होंगे, मे बी कुछ सोच समझ कर कुछ अच्छे के लिए यू नो हो रहा होगा, सो इट्स ओके, वी नीड सम परसिवरेंस फॉर ऑल ऑफ दिस, यू नो समथिंग गुड हैज़ टू हैपन, एंड मे बी दैट्स बीन वेल थॉट ऑफ बाय यू नो पीपल हु आर लीडिंग द कंट्री, सो कुछ अच्छे के लिए होगा, थोड़ी बहुत यू नो सब्र की जरूरत होगी शायद. यही मौका है आप लोगों को कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने का, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे ज़्यादा, सो पैसे बचाइए और बस बचाइए. और पार्टनर हूँ ब्राइट हलर्स इवेंट्स और अवार्ड्स का एक हिस्सा. 16 साल से जब से आईटी अवार्ड चालू हुआ है तब से मैं इसका एक हिस्सा हूं और उनका आउटडोर पार्टनर हूं ब्राइट हलर्स इवेंट्स और अवार्ड्स का एक हिस्सा रहा है. तो मुझे बहुत खुशी है कि मायापुरी भी बजाज सर भी मेरे दोस्त हैं और जब मायापुरी का भी मैं 25 साल से दोस्त रहा हूं. मैं अवार्ड आज देने को जा रहा हूं स्टेज पे. मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़ा अवार्ड का और एक इवेंट का मैं हिस्सा हूँ. थैंक यू सर. एक्साइटमेंट में आया हूँ, मुझे बता नहीं सकता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे शो को इतना प्यार मिलेगा और हम नॉमिनेटेड भी होंगे बेस्ट एक्टर कॉमेडी के लिए. इतने जहाँ दिग्गज कलाकार नॉमिनेटेड हैं उनके सामने नॉमिनेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और बाकी तो जो परवाने के हाथ में, क्योंकि अभी तो हम 2000 के नए नोट हैं जो मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुए, तो मुझे लगता है अभी हमारी वैल्यू समझने में लोगों को टाइम लगेगा, बट ठीक है, देखते हैं क्या